एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज है अष्टमी, तो आप सभी को हैप्पी अष्टमी। तो हमारे यहाँ पे ना नवरात्रि अष्टमी को खुल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे वही भोग के लिए खाना बना रही हूँ। यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी और चने फ्राई करूँगी, मतलब सब कुछ मैंने बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है और मैं उठ गई थी आज 4 बजे उठ गई थी। उसके बाद अपना वही झाड़ू पोछा वगैरह किया और नहाई धोई हूँ, और उसके बाद आलू बॉईल करे, फिर चने बॉईल करे हैं। तो और आलू बॉईल करने के बाद उनको छिलाया, मतलब बहुत टाइम लग जाता है सुबह से लगो, जब जाके 2-3 घंटे मतलब ऐसे ही चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। तो मैं कुकर में ही बना रही हूँ, मैंने सोचा इसमें ही बना लेती हूँ क्योंकि बॉईल आलू की सब्ज़ी है तो फटाफट इसमें बन जाएगी। तो आलू अच्छे से मैश कर लिए थे मैंने और मसाला मेरा भुन गया था काफ़ी सारे। मैंने इसमें टमाटर एक टिफिन जो ये रखा है ये भर के मैंने इसमें टमाटर डाले हैं और जीरा और एक तेज़पत्ता और बड़ी इलायची में ही तड़का लगाया, ज़्यादा कुछ नहीं डाला। इन्होंने मना कर दिया था कि बच्चे खाएंगे इसलिए कोई ऐसा खड़ा मसाला मत डालना ताकि बच्चों के मुँह में ना आए, तो इसलिए कोई ज़्यादा खड़ा मसाला नहीं डाला है। तो सब्ज़ी मेरी मतलब सब्जी में तड़का लग गया है और बॉईल आ गया है, अच्छी रहेगी। तो इधर मैं अपने चने को फ्राई करने की तैयारी कर रही हूँ। तो इधर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डाल दिया है जीरा, और जीरा ना मेरा भुन गया तो इसमें मैं हल्दी डालूंगी थोड़ी सी, और थोड़ा सा ना वो डालूंगी धनिया पाउडर, और हरा धनिया मैं काट के तेल में ही डाल देती हूँ, उससे ना एक अच्छा फ्लेवर आता है चनों में। तो मैं हमेशा ऐसे ही फ्राई करती हूँ और हल्का सा ऊपर से डाल देती हूँ। तो चने भी फ्राई हो गए, आलू की सब्ज़ी बन गई, और इधर बना रही हूँ मैं अब हलवा। हलवा थोड़ा ही बनाऊँगी ताकि बचे ना, क्योंकि लवी ना बहुत जगह जाती है जिम में, उसका बहुत सारा जो खाना होता है ना वो इकट्ठा हो जाता है, हलवा चने पूरी वगैरह ये सब बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा ही हलवा बनाऊँगी ताकि कन्या जो हैं वो जिम लेंगी और हम मतलब खा लेंगे भोग का। तो बस हलवा इधर मेरा बन रहा है, और इधर हलवा भी बन चुका था तो मैंने रख दिया है कढ़ाई अपनी, पूरियाँ बेल रही हूँ मैं इधर, और अंगारी कर दी रख ली है मैंने। इतने मेरी अंगारी होएगी ना, इतने मैं अपनी जो भोग की पूरियाँ हैं पूजने के लिए वो मैं बना लूँगी इधर, और बाकी पूरियाँ मैं बाद में बनाऊँगी क्योंकि मेरी ना पूजा भी स्टार्ट नहीं हुई थी, मतलब खाना पीना कुछ नहीं बना था, लवी पहले ही चली गई थी। बहुत से ना बहुत जल्दी करके जिम आ लेते हैं तो लवी चली गई थी, तो मैं और यही बचे थे। तो मैं अभी तरह वो कर रही हूँ अपना, तो मेरी अंगारी हो गई थी, भोग की पूरी मेरी बन गई है, तो हम दोनों यहाँ पे कर रहे हैं पूजा की तैयारी, बच्चे नहीं हैं। और टेबल मैंने उधर से हटा के ना इधर कर दी थी साइड में, क्योंकि उधर ना कन्याओं को जिम आएंगे, तो मैंने टेबल हटा के इधर कर दी थी साइड में ताकि भाई बच्चे आराम से बैठ जाएँ, और इतना स्पेस नहीं है तो मंदिर के पास ही मुझे टेबल करनी पड़ी। तो और यहाँ पे ना मेरा ना पान का पत्ता जो है ना आधा तो जल गया था, आधा नहीं जला था, तो उसको ही जलाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, जल के ही नहीं दे रहा था। फिर मैंने दोबारा इस पर घी डाला और कपूर डाला, तब जाके मेरा जो है ना पान का पत्ता और सुपारी जो हम चढ़ाते हैं वो जली है, जायफल चढ़ाते हैं अष्टमी के दिन डेली सुपारी चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे फिर वो मेरा जल गया था, तो हम यहाँ पे दोनों कर लेंगे पूजा और अपनी कथा वगैरह पढ़ लेंगे। फिर लवी जो है इतने जो लड़कियाँ हैं और के यहाँ पे गई हैं जिम ने, वो बुला के भी ले आएगी अपने साथ में, और दोनों ही चले गए, लड़का भी चला जाता है क्योंकि छोटा है, वो नहीं मानता, तो वो कहता है लवी जा रही है तो मैं भी जाऊँगा साथ में, मगर तो ठीक है आप दोनों चले जाओ। और यहाँ पे हमारी चल रही है अभी पूजा, तो फिर कन्याओं को जिमाएंगे और पूरी वगैरह बनाएंगे, कई जगह चली जाती है लवी, पता भी नहीं चलता वो किस किस के जा रही है। और दोनों बच्चे आ गए हैं जिम के, खाना भी इन्होंने दोनों ने यहाँ पे ही रख दिया। फिर मैंने बोला इनको पहले ना पूजा करवा लो फिर चले जाना जो भी कोई बुलाने आएगा। तो एक लड़की आ गई थी बीच में बुलाने पर, मैंने सोचा भाई थोड़ी तो पूजा अपने घर में भी करो फिर जाना तुम जिम ने। तो बस आरती के टाइम पर आए थे दोनों बच्चे, आरती करा रहे हैं यहाँ पर, और ये दोनों तो चले जाएंगे, उसके बाद मैं अपनी पूरी वगैरह बनाऊँगी, लड़कियाँ जो हैं वो जिम ने के लिए आ जाएंगी, तो बस दोनों बच्चे मेरे साथ कर लेंगे आरती, फिर हम दोनों कर लेंगे। ये तो चले जाते हैं बीच में से ही आरती करा के थोड़ी सी, तो दोनों बच्चे गए यहाँ से, अब हम दोनों कर रहे हैं आरती। उसके बाद बस अपना ये पूजा करने के बाद नारियल वगैरह फोड़ेंगे हम, कन्याओं को जिमा देंगे, देखते हैं जितनी मिलती है, क्योंकि कभी कभी ना कन्या मिलती भी नहीं है, पिछली बार भी नहीं मिली थी, 3 ही मिली थी, और अब देखते हैं मिलती है या नहीं। तो यहाँ पर कन्या आ गई थी तो मैंने जिमा दिया कन्या को, उसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि जो छोटी सी एक लड़की बैठी है वो बैठ नहीं रही थी, तो उसको ना मैंने अपना फ़ोन दिया जब जाके वो बैठी, और इतनी भी जो क्लिप बनी है वो इन्होंने अपने फ़ोन से बनाई है, अगर मेरा फ़ोन होता तो मैं सारी बना लेती। और बच्चों को मैंने हेयर बैंड दिया था, मैं हेयर बैंड ही लाई थी इस बार, मैं कुछ नहीं मिल रही हूँ मैं आपको। कन्या वगैरह जो है हमने जिमा दी है,
मतलब बच्चे चले गए हैं जिम के, और ये भी चले गए ऑफिस अपना। और कल ना देख लो मेरे मुंह पे ना पता नहीं ये क्या हो गया, जो फल जाता है ना वो हो गया, पता नहीं ये कैसे हो गया, समझ नहीं आ रहा। इसको मैं लवी को लेने जाती हूँ, हो तो सकता है या तो इसके स्कूल के बाहर बहुत सारी लेडीज खड़ी रहती है ना, या तो उनका किसी का गिर गया, या फिर संडे में हमारे घर में कीर्तन था, हो सकता है तब किसी का गिर गया हो, वरना ऐसे नहीं फलता मेरा। तो किसी का खून थूक वगैरह गिरता है ना, मतलब तभी मेरा फलता है ये। और अब मैं खाऊंगी खाना, अभी बर्तन वगैरह मतलब मैंने साफ नहीं किए, मैंने सोचा खाना खा लेती हूँ फिर सारे बर्तन एक साथ इकट्ठे कर दे के और साफ कर दूंगी। और इनकी प्लेटें हो रही थी तीन चार, क्योंकि ये कई जगह गए थे जिम ने, तो सारी प्लेटें वगैरह खाली करके अभी रख दी है। अभी और जाएंगे ये, मतलब अगर जाएंगे तो मैं जब इनको भेज दूंगी, चार पांच जगह ये चले गए हैं। और मैं अपना खाना लेके बैठ गई हूँ, खाना दिखाती हूँ मैं आपको अपना। तो आप सब भी आ जाइए प्रसाद खाने के लिए अष्टमी का। तो इसमें मैं हलवा चना और गोला ले आई हूँ, और रायता भी बनाया था मैंने, क्योंकि ये रायता लेके गए हैं। और आलू टमाटर की सब्जी, और इधर पूरियाँ और कटोरियाँ ना सारी ऐसी हो रही हैं अभी गंदी, तो इसलिए मैं इन डब्बियों में ले आई हूँ करके, जो प्लास्टिक के डब्बियाँ हैं उनमें कर ली मैंने सब्जी वगैरह। तो खाना खा के फिर मिलूंगी आपसे, बर्तन वगैरह बहुत सारे पड़े हैं अभी। तो ये देखो हलवा, और मुझे ना हलवा ऐसे ही अच्छा लगता है। थोड़ा चने मैंने इसमें नीचे रख रखे हैं, और ये नारियल लेके आई हूँ, क्योंकि जो जो प्रसाद होता है वो सारा मैंने ले लिया, बस एक मिश्री नहीं ली, बाकी सारा प्रसाद मैंने ले लिया है। तो खाना खा लेती हूँ फिर मिलूंगी थोड़ी देर में। तो मेरा काम मतलब सारा हो गया, बर्तन वगैरह साफ हो गए, और मैं खाना वाना खा के बर्तन ही साफ करती, तो बच्चों को ना फिर कोई बुलाने आ गया था मतलब सामने से ही। तो फिर गए थे बच्चे दो जगह, फिर गए थे जिम ने। तो मतलब ये है कि सारा काम मेरा हो गया, बर्तन वगैरह जितने भी थे सब साफ कर दिया, बस मंदिर के पास रह रहा है अभी साफ करना, क्योंकि आज तो नहीं, अभी नहीं करूँगी, शाम के टाइम साफ करूँगी, क्योंकि आज तो पूजा हुई है, तो शाम को वहाँ से जो है मैं मतलब सफाई कर दूंगी शाम को। और ये वाली जो मैंने बेडशीट ली थी, मैंने दिखाई थी आपको, ये मैंने बिछा रखी है, तो कलर ना इसका बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये भी बोल रहे थे कि अगर दोबारे आए वो बेडशीट वाला तो दो तीन ले लेना, क्योंकि काफ़ी अच्छी लगी ये, और कुल 100 रुपीज़ की है तो अच्छी है बेडशीट। तो देखूंगी अगर आया दोबारा तो मैं दो एक बेडशीट और लूँगी। और मैंने ना सामान मंगाया था, क्योंकि मेरी दालें और चीनी ये सब ख़त्म हो गए थे, तो चीनी तो सुबह मैं मतलब हलवा बनाया था तो मैं ले गई थी, यूज कर ली थी मैंने, उसको डब्बे में करके रख दी है। बाकी दालें वगैरह भी यहाँ पे हैं, तो वो दिखाती हूँ मैं आपको मैंने क्या क्या मंगाया था, क्योंकि ख़त्म हो गई थी तो इसलिए मंगाया था। और इस पे ना बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है मेरे, अब ये कई दिन में ठीक होएगा। कल ना मेरे इसको इस पे नॉर्मली खुजली हो रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि हाँ ये ऐसा हो जाएगा, तो मैं इसको ना ऐसे कर रही थी, अरे मोटा हो गया, पता नहीं कैसे फल जाता है, जब किसी का थूक डालता है ना तभी फलता है, ऐसे नहीं फलता मेरे जल्दी से। और बहुत ना अजीब लग रहा है, बार बार हाथ यहाँ पे जा रहा है, क्योंकि इस पे ना खुजली सी लग रही है। तो सामान दिखाती हूँ पहले, और अभी ना मैंने बाल वाल कुछ नहीं भाए, बस ऐसी आज सुबह बाल ना ऐसे बांध रखे हैं ऊपर कोई, मैंने इनको ना भाऊंगी अभी अपने बालों को, सोच रही पहले थोड़ा सा ना आराम कर लो उसके बाद बाल वाल भाऊंगी। तो दाल दिखा मतलब सामान दिखाती हूँ क्या मंगाया क्या नहीं। तो 1 किलो ना छोले मंगाए थे, छोले थोड़े से ही बच रहे हैं मेरे, और अरहर की दाल इन्होंने इसलिए मंगा ली क्योंकि सही मिल रही थी, तो इसलिए इन्होंने 1 किलो मंगा ली। वैसे मेरे रखी है अभी 2 किलो रखी है अरहर की दाल, पर इन्होंने 1 किलो और मंगा ली, क्योंकि गर्मी में तो दाल चावल ही यूज मतलब बनते हैं ज़्यादा, तो दाल ज़्यादा यूज होती है, इसलिए दाल बहुत सारी मंगानी पड़ती है मेरे को। और ये सोयाबीन है सब्जी वगैरह बनाने के लिए, या पुलाव मिक्स दाल 1 किलो मंगाई है, क्योंकि अभी है 1 किलो के करीब है दाल, तो ये भी सही मिल रही थी इसलिए मंगा ली। मेरे दाल जो ख़त्म हुई थी वो मिक्स, ये सॉरी मसूर की ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल भी नहीं थी। और शाम के टाइम ना मसूर की दाल रोटी के साथ अच्छी लगती है, जब कुछ सब्जी समझ में ना आए तो मसूर की दाल बनाओ और रोटी अच्छी लगती है, इसलिए ये 2 किलो मंगाई है, क्योंकि ये ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा यही दाल मतलब बनती है, तो 2 किलो मंगाई थी। और हींग भी सही मिल रहा था, तो हींग के 2 डब्बियाँ, और मैं हर सब्जी में हींग डालती हूँ, और आज सुबह ही मैं भूल गई उसमें, जब मैंने चने बनाए थे ना उसमें डालना मैं भूल गई, मुझे बाद में याद आया फिर मैंने नहीं डाला था उसमें। बाकी मैं हर सब्जी में हींग का यूज़ करती हूँ, पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था, स्मेल जो है ना इसकी गंदी लगती थी, लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगने लगा हींग, तो
मैं हर एक सब्जी, जो भी सब्जी मैं बनाती हूँ, मैं सब में डालती हूँ। कभी कभी तो मैं रायते में भी डाल लेती हूँ। अब मतलब मुझे अच्छा इतना लगा है कि मैं रायते में भी डाल लेती हूँ। और एक इन्होंने अपना हेयर कलर मंगाया है, तो संडे को लगाएंगे ये। बस ये सामान है। चीनी मैंने उठा के रख ली थी सुबह, 5 किलो चीनी मंगाई थी। और इन दोनों को देखो, गट्टू। तो मिलते हैं फिर एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।